नमस्ते दोस्तों, कैसे उम्मीद करते बढ़िया होंगे। हम लेकर आए हैं नई वीडियो, नई जानकारी। कहते हैं कि अगर इरादे बुलंद हो तो चाहे जितनी भी मुश्किलें आ जाए, इंसान उसे जरूर पार कर जाता है। आज बात ऐसी हस्ती की है जिनके इरादों में इतना दम था कि अभिशाप कहे जाने वाली गरीबी भी उनके राहों का कांटा नहीं बन सकी। हम बात कर रहे हैं कड़ी मेहनत और जबरदस्त संघर्ष के IAS अफसर बने नीरिश राजपूत की। नीरिश राजपूत मध्य प्रदेश के भिंडे जिले के महू गाँव के रहने वाले हैं। नीरिश के पिताजी सिलाई का काम करते हैं। घर की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी, लिहाजा 5 सदस्यों का पालन पोषण बड़ी मुश्किल से हो पाता था। नीरिश अपने परिवार के साथ महज 15x40 फीट के छोटे से मकान में रहते थे। परिवार की तंग आर्थिक हालत के कारण नीरिश अपने गांव के सरकारी स्कूल से पढ़ाई की है। नीरिश के बारे में आपको बता दें कि वह बचपन के दिनों से ही पढ़ाई लिखाई में अव्वल थे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, लिहाजा कॉलेज में दाखिला पाने के लिए कतई आसान नहीं था। नीरिश ने इस बड़ी समस्या का हल निकालने के लिए घरों में अखबार डालने का काम शुरू किया। नीरिश हर सुबह उठकर लोगों के घरों में अखबार पहुंचाने लगे और इससे होने वाली कमाई से उन्होंने ग्वालियर के एक सरकारी कॉलेज में दाखिला ले लिया। आपको बता दें, सरकारी कॉलेज में उन्होंने BSc और MSc की डिग्री हासिल की। नीरिश का सपना IAS अफसर बनने का था। नीरिश के दो बड़े भाई भी थे और दोनों भाइयों ने उनके इस सपने को पूरा करने के लिए उनका पूरा साथ दिया। उनके दोनों भाई संविदा के आधार पर शिक्षक बने थे और वह उससे होने वाली आमदनी को नीरिश की पढ़ाई में खर्च करते थे। आपको बता दें कि IAS अफसर बनने के बाद नीरिश ने एक इंटरव्यू में बताया कि एक बार वो अपने बेहद ही धनी दोस्त के घर उत्तराखंड गए थे। नीरिश के दोस्त ने उनसे वादा किया था कि अगर वो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खुलवाएंगे तो उसमें उनकी वो मदद करे। इसके बदले में सिविल परीक्षा में जरूरत के मटेरियल को वह उन्हें उपलब्ध कराएंगे। नीरिश ने अपने दोस्त की मदद की और एक बेहतरीन कोचिंग इंस्टीट्यूट भी खुलवा दिया। 2 साल बाद जब इस कोचिंग संस्था से नीरिश के मित्र को काफ़ी आमदनी होने लगी, तब उनके दोस्त ने उन्हें बेइज्जत करके वहां से निकाल दिया और कहा कि तुम कुछ नहीं कर सकते, UPSC तो कभी नहीं निकाल सकते। नीरिश राजपूत को यह बात काफ़ी बुरी लगी। जॉब छूटने के बाद नीरिश काफ़ी गरीबी में रहने लगे। उनके पास रहने के लिए घर और यहाँ तक कि खाने के लिए पैसे भी कभी कभी नहीं होते थे। नीरिश राजपूत ने इंटरव्यू में बताया कि वो पढ़ाई लिखाई के लिए दिल्ली आ गए। यहाँ उनकी दोस्ती अंकित से हुई और अंकित UPSC की तैयारी कर रहा था। नीरिश अंकित साथ रहने लगे और वह दिन में 15 से 18 घंटे पढ़ाई लिखाई करने लगे। UPSC की तैयारी करने के लिए नीरिश राजपूत को कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं किया, वह सिर्फ अंकित की किताबें और उसके नोट से पढ़ा करते थे। IAS बनने का सफर नीरिश के लिए किसी चुनौती से कम नहीं रहा। 3 अटेम्प्ट में फेल होने के बाद जहां व्यक्ति सफलता की उम्मीद छोड़ देता है, वहीं नीरिश को यह जानते थे कि परिश्रम के अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वह सकारात्मक सोच के साथ मेहनत करते रहे और 2013 में UPSC की सिविल सेवा परीक्षा में 370वीं रैंक हासिल करके IAS अफसर बन गए। उन्होंने गरीबी की सीमा तोड़ी और अपना सपना पूरा किया और लाइफ में सफल हुए। तो आपको नीरिश राजपूत की सक्सेस स्टोरी कैसी लगी, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और अंत में कहूँगा दोस्तों कि जिंदगी जो शेष बची है उसे विशेष बनाइए, बाद में तो अवशेष होना ही है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे नॉलेजबल और मोटिवेशन वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।